डैशबोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है चार्ट आपका। चार्ट का ही पूरा खेल है, आपने देखा तो चार्ट को आपने कमांड कर लिया, चार्ट के ऊपर आपने ए कर लिया, डिजाइन कर लिया, तो आप समझिए कि आप डैशबोर्ड आपका बनाना कोई ख़ास बात नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने अपने डैशबोर्ड में छोटे 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 आपने बहुत सारे चार्ट्स बनाए हुए हैं, दे आर नॉट विजुअल क्लियर, बट उनको आप बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि आपके चार्ट आपके पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है और उसको एक विंडो पे फिट करना मुश्किल है। तब क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे नेम और यहाँ पे सेल्स का एक छोटा सा हम यहाँ बना रहे हैं, अब चलिए हम इस पे आपके साथ दो चार्ट क्रिएट बनाते हैं, दो चार्ट छोटे छोटे बनाते हैं आपके। जैसे मान लीजिए चार्ट हमने बनाया यहाँ पे रखा, तो मैं इतना बड़ा चार्ट नहीं कर सकता तो हमने चार्ट को बहुत छोटा कर दिया और सेल्स यहाँ पे हेडिंग है तो हम एक पर्टिकुलर हेडिंग को पकड़ के यहाँ से इसकी टाइटल को छोटा करेंगे और फिर ये नेम है इस नेम पर भी क्लिक करके इसकी साइज भी हम यहाँ से छोटा करेंगे, ठीक है सर जी। अब मान लीजिए ए हो गया और दूसरा हमने हाँ ए हो गया और दूसरा मान लीजिए सिटी वाइज हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं। बट सर इतना छोटा हम देख पाएंगे अपने, मतलब काफी छोटा नहीं दिखेगा? यही चीज तो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सर, मुद्दा तो यही है सर। ओके 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 जैसे यूपी में चुनाव का कई सारे मुद्दे हैं ना, ऐसे आज क्लास का मुद्दा यही है आपका। ओके ठीक है ना, इस पर आप थोड़ी राजनीति आप करेंगे, थोड़ी राजनीति हम करेंगे। पक गया हूँ सर न्यूज़ देख के, इसलिए बोल रहा था। आजकल ये सब चल रहा है, अब तालिबान और ये सब। हाँ तालिबान खोलो तो तालिबान ना था यूपी, नहीं तो यूपी का न्यूज़ जी। इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ये ले लेता हूँ, अच्छा इसको हम ऐसा ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा सर। अब जैसे कि इतना छोटा चार्ट को रखना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें बहुत सारे चीज़ दिखाने, समझ रहे हैं सर ना जी। डैशबोर्ड आपने बनाया होगा, देखा होगा, क्योंकि आप डैशबोर्ड को ही काफ़ी लंबा कर देंगे तो फिर फायदा क्या हुआ, तो अलग अलग सीट पर रिपोर्ट ही रहेगी, सही बेटर है। डैशबोर्ड का मतलब क्या है कि एवरी इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन, राइट सर जी बिल्कुल। जैसे गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, गाड़ी की पूरी कंट्रोल ड्राइवर के सामने होती है, अब ड्राइवर को ब्रेक मारना है तो गाड़ी को पीछे जाके ब्रेक मारेगा तो हो गया सर, सेम चीज़ यहाँ पे। बट मैं इसको कैसे विजुअल करूँ, क्योंकि चलो ठीक है हमने यहाँ पे सेल्स लिख दिया, यहाँ पे सेल्स टाइटल दे देते हैं बाय एसओ, ठीक है सेल्स भाई एसओ है चल रहा है। अब प्रॉब्लम अब यहाँ पे जिसको सेल्स ऑफिसर के बारे में ट्रेनिंग देखना है, अब होता है क्या थी एक डैशबोर्ड कोई कुछ आप जो डैशबोर्ड बनाते हैं तो कभी कभी तो एक सिंगल सिंगल पर्सनस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डैशबोर्ड जो होते हैं मल्टीपल पर्सनस को देखते हैं, तो हर पर्सन का अलग अलग उनका क्राइटेरिया है। जैसे एक टीम लीडर को दे दिया तो ये देखेगा कि भाई किस किस बंदे ने एक सेल किया, एक प्रोडक्शन मैनेजर को देखेंगे तो बोले यार किस किस सिटी में क्या सेल हो रहा है, इसको स्टॉक इन्वेंटरी देखनी है, तो स्टॉक इन्वेंटरी को तो सिटी के हिसाब से देखेगा ना, किस सिटी में कितना स्टॉक जा रहा है तो उसी हिसाब से स्टॉक मेंटेन करेगा वो, बिल्कुल। बट प्रॉब्लम है कि वो विजुअल होकर से बड़ा कैसे, इसको बड़ा कैसे किया जाए, मतलब मैं चाहता हूँ कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो ये जूम होके बड़ा हो जाए, फिर वापस क्लिक करे तो छोटा हो जाए, पॉसिबल है सर? जब हम इस पर क्लिक करें तो ये डेटा जूम हो जाएगा और हमें प्रॉपर विजुअल इसका। हाँ, जिस पर क्लिक करते हैं ये बड़ा हो जाए, जैसे होता है ना इंटरनेट वगैरह पे। जी 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 क्लिक करते हैं हमारा बड़ा हो जाए, जब दोबारा क्लिक करूँ तो फिर ये सुकून के छोटा हो जाए। ओके तो क्या करें इसके लिए,
तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया नेम एसओ एसओ, तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है सर। शुरुआत में मैं भी सोच रहा था ना सर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक फीचर्स में बता दूं, मैं झूठ नहीं क्रेडिट किसी का क्रेडिट नहीं लूँगा, एक किसी ने मुझे बताया था सर बहुत साल पहले, समझे मेरे कली ही थे, उन्होंने बताया था और मैं चौंक गया था कि ऐसा भी तो हो सकता है ना। उन्होंने क्या किया कि बोला कि इस चार्ट को लो, इसको कॉपी करो, दूसरे सीट पे पेस्ट करो और इस सीट को इस पे चार्ट को बड़ा कर दो, ठीक है ओके, और सब कुछ बड़ा कर दो, सिर्फ यही नहीं कि साइज बड़ा करो, इसको ही बड़ा करो, नाम वाम और ये सारे, हाँ इसको ही बड़ा करो, ठीक है जी। फिर दूसरे सीट पे हमने इसको लिया, कॉपी किया, दूसरे सीट पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया और इसको बड़ा कर दिया, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया, बड़ा अपने हिसाब से कर लिए समझे जी जी जी। और इसको भी हम बड़ा कर देते हैं, आप सोच रहे हैं कि हमने अलग सीट पे बड़ा तो कर दिया था, क्या लग रहा है इस सीट को वहां विजुलाइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। आपने हाइपरलिंक का नाम सुना होगा ना, हाँ जी। हम क्या करेंगे इस चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट okay. इस चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंट्रोल के, और कंट्रोल के में हम क्या करेंगे, जाएंगे बुकमार्क और ये हम एस ओ को सिलेक्ट करेंगे एंड ओके okay. अच्छा, और इसको सेलेक्ट करेंगे, हम करते हैं कंट्रोल ए जो कि हाइपरलिंक होता है इंसर्ट में, हम लगाया कंट्रोल के, जी जी जी। और हमने क्या किया, सिटी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वापस हम यहाँ आते हैं, हम पूजा को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ कंट्रोल के करते हैं, और इसमें हम करते हैं यहाँ पे सीट वन, सीट वन में यहाँ पे हम कर देते हैं सी वन, याद रखिए एरिया रखेंगे ताकि वहीं पे जाए कर्सर, जब अपना स्क्रॉल होकर ऊपर चला जाएगा, ये जरूरी है, ठीक है सर। बाइट फोल यहाँ पे ए वन होता है, तो मान लीजिए नीचे आपका कोई चार्ट है, मान लीजिए नीचे स्क्रॉल में है, नीचे के साइड में, और ऊपर आपने क्लिक किया ए वन पे ऊपर चले गए, तो स्क्रॉल होकर ऊपर चला जाएगा, तो वो फीलिंग नहीं आएगी सर। ओके ओके, और ये हमारा जो है के वन कर देते हैं इसको, चार्ट का जो एरिया होगा जहाँ पे चार्ट होगा वहीं पे करना है जी, वो सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने बुकमार्क में सीट वन को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे ए वन की जगह पे हम के वन, ठीक है। अब देखिए इस पे क्लिक करो, एक बार क्लिक किया फिर वापस क्लिक किया, अरे इस चार्ट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये एसओ वाले पे, या अगर सिटी के उससे क्लिक कर रहे हैं तो ये सिटी पे ले जा रहा है, और फिर वापस इस पे क्लिक करते हैं तो वापस सीट पे जा रहा है। अगर आप नीचे की तरफ ध्यान ना दे तो आपको ऐसा लगेगा चार्ट बड़ा हो रहा है। अच्छा क्या, चलिए हम आपको और थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक बनाते हैं, ये बिल्कुल ऐसा हो, कैसा हो गया जैसे सिनेमा में होता है ना सर, विजुअल इफेक्ट, नजर का धोखा, अगर उस पे क्लिक किया तो वही चार्ट आ गया। मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक करता हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या किया, हाँ इसको ब्लैक कर दे, ब्लैक कलर कर देंगे तो और बेटर रहेगा आपको, हाइड,
इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, ठीक है, अब इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए, अब सीट व्यू में जा, इसमें फाइल के अंदर जाएंगे, अब एक्सेल ऑप्शन में शीट का है, जो शीट के अंदर का जो चीज़ होती है ना, जो शीट टैब होते हैं, उसको अगर ए कर दे, हाइड कर दे, तो और ज़्यादा बेटर होगा आपका, ठीक है सर? क्या क्या चीज़ हाइड कर दे सर? सीट टैब, सीट के नेम आता है करना है आपको हाइड, क्या एक बार बताइए सर कैसे कह रहे हैं? या एक्सेल, उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होता है, एक्सेल ऑप्शंस, एडवांस, यहाँ पे एडवांस, सीट टैब दिख रहा है जी, अनचेक कर दीजिए, स्क्रॉल बार हटाना था, स्क्रॉल बार भी हटा सकते हैं, एंड ओके, सब कुछ हट गया। अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम किसी और सीट पे मूव किए थे, पता चल रहा है सर? नहीं नहीं नहीं, उसी, हाँ ये लग रहा है एक ही सीट पे, एक ही सीट पे है और सीट हमारा बड़ा हो रहा है जी। छोटा सा ट्रिक है बट बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट हमको दे रहा है जी, जी समझे जी। तो आप लोग भी जब जैसे चार्ट बनाते हैं और बहुत सारे छोटे 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 चार्ट रख सकते, रखना है आपको, या डेटा, कोई छोटा डेटा रखना है, कॉपी पेस्ट, क्या कॉपी पेस्ट करके, पेस्ट ऐसे, पेस्ट ऐसे आप कर देते हैं, पिक्चर कर देते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा बड़ा डेटा पर चला जाए, तो क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं, ठीक है सर जी? क्लियर है जी, काफ़ी हाँ यूजफुल है ये तो, यूजफुल है ना सर? बिल्कुल, छोटा सा चीज़ है सर, बहुत छोटा सा चीज़ है, ठीक है सर, काफ़ी है छोटी चीज़ बट बहुत काम की चीज़ है। अब हम बात करते हैं एनालिटिक्स के बारे में, कि एनालिटिक्स होता क्या है आखिर, समझ रहे हैं सर जी? अब एनालिटिक्स होता क्या है इस बारे में एक बार हम डिस्कस करते हैं। एनालिटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो डेटा एनालिटिक्स होता है वो आपके डेटा को हर अलग अलग एंगल से, अलग अलग एंगल से उसकी इंफॉर्मेशन को हम लोग एनालिटिक्स कह सकते हैं, हालांकि उसका साफ डिफिनेशन तो कुछ और है बट मैं आपको आम भाषा में समझा रहा हूँ कि डेटा एनालिटिक्स जो होता है कि आप डेटा को अलग अलग एंगल से उसकी अलग अलग इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन छोटी या बड़ी को निकालते हैं और फिर उसको विजुलाइजेशन के जरिए आप उसको विजुलाइज करते हैं, दैट कॉल डेटा एनालिटिक्स, उसको हम लोग डैशबोर्ड या रिपोर्ट्स भी कहते हैं, सारा सब एक ही, सारा शब्द का एक लॉन्ग, एक लॉन्ग डेटा में से एक पर्टिकुलर पोर्शन के डेटा को निकाल। तो जैसे कि एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि किस तरह के डेटा होगा, क्या है मतलब, जैसे कि मान लीजिए कि आपको पहले सोचना होगा कि इस रिपोर्ट आप, हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को डेटा दिया जाता है, रिपोर्ट का सैंपल दिया जाता है, हम लोग उसको फिल कर देते हैं, हम लोग इस चीज़ को सोचते नहीं कि आखिर इससे बेनिफिट्स क्या है, बात समझ रहे हैं जी? बेनिफिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक सेल्स टीम को लीड करते हैं या आपके सेल्स की टीम को लीड है, अब आपके सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप बोलते हैं कि मैं अपने सेल्स ऑफिसर को इंसेंटिव देना चाहता हूँ, समझ रहे हैं सर जी? तो इंसेंटिव में कितना आप देंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि इंसेंटिव कैसा होना चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे कि चलो भाई जो जो हज़ार हज़ार शेयर करके लाया उसको 500 दे देंगे हम, क्या नहीं ऐसे कोई कुछ सेट करना पड़ेगा कोई पैरामीटर? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि विदाउट इंसेंटिव, मैंने बिना इंसेंटिव का हमारा क्या सेल चल रहा है, क्या सेल्स रेशियो है, क्या प्रॉफिट रेशियो है, समझ रहे बात सर जी? जैसे हमने बोला कि हर प्रोडक्ट पे पहले आप एक मैं समझाते हैं आपको, ऐसे रफली समझा रहा हूँ, फिर इसको डेटा, इसको हम लोग पिवट, इसमें क्या बोलते हैं, डैशबोर्ड में समझेंगे, ठीक है? ऐसे फिलहाल इसको नॉर्मल समझाता हूँ मैं आपको,
जैसे मान लीजिए कि अभी जो सेल था 1000 रुपीज का सेल था, और 1000 रुपीज में हमारा 200 का प्रॉफिट होता है, समझ गए सर? तो प्रॉफिट रेट फिलहाल कितना है? प्रॉफिट रेट मेरे हिसाब से 20% है। तो फिलहाल हमारा 20% का प्रॉफिट रेट चल रहा है, हमने पिछले 3 महीने का एनालिसिस किया है। अब हमने हमने बोला कि चलो ठीक है, हम पर पीस पे कि हम जितना ही पीस सबका बिकेगा पर पीस पे हम आपको 1 रुपया दे देंगे, समझ रहे हैं बस सर? आपने बोला हमने 20% प्रॉफिट हुआ हमारा। हाँ, 20% फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है हमारा, अभी हम लोग कोई इंसेंटिव लॉन्च ना करें तो 20% चल रहा है, समझ गए? 200 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। तो हमने बोला कि चल भाई 1000 रुपये की सेल पे आप सेल अगर 1000 रुपये की सेल करता है तो आप सभी को जो है मेरी तरफ से 150 रुपये की या 100 रुपये की इंसेंटिव है, अच्छा समझ रहे? ओके। तो अगर अगर मान लीजिए कि सेल अगर 1000 का 1000 रहा और हमारा 200 प्रॉफिट है, 100 रुपया हम इंसेंटिव में दे दिए तो क्या हो गया हमारा? तो सौ रुपये फिलहाल ही बचे फिलहाल फिलहाल तो हमारा 100 का ही प्रॉफिट है जी। हाँ, मेरे लिए तो हाँ 100 रुपीज़ का ही प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका सेल कितना हो ताकि आपका प्रॉफिट मैच हो। तो मतलब कि अगर यहाँ पे 3000 का सेल अगर होता है, क्या सर? जी 3000 का सेल होता जी है, उसका 20% हम निकालते हैं तो क्या आएगा? 600 रुपया, सौ ठीक है। रुपया अब 600 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे 1000 रुपये हमने यहाँ पे सौ रुपया दिया सौ था। रुपये हमारा दे चुका, तो 300 रुपये जो हम देंगे किसको देंगे एज ए इंसेंटिव, और हमारा प्रॉफिट 300 इंसेंटिव जाएगा जी क्या? जी तो एक फोरकास्ट हुआ कि भाई नॉर्मल अभी जो सेल चल रहा है 20% का चल रहा है, अगर 1000 1000 1000 का सेल पे अगर 100 रुपये का इंसेंटिव देते हैं तो 3000 का सेल होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया टारगेट, राइट सर? जी कि अगर इफ टारगेट अगर टारगेट 3000 अचीव होती है देन कंपनी को टोटल 600 रुपये की प्रॉफिट होगी, और उसमें से 200 प्रॉफिट जो है वो एज इंसेंटिव दी जाएगी, 300 जो प्रॉफिट है वो कंपनी का आएगी। कंपनी की मौजूदा जो हमारा परसेंटेज सेल्स था 200 रुपीज़ की प्रॉफिट चल रही थी, अगर इंसेंटिव लॉन्च करने से 100 रुपीज़ की एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगी, समझ रहे? जी तो अगर आप इंसेंटिव लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे टारगेट अगर 3000 सेट करते हैं तब जाके आपको कंपनी को एक्स्ट्रा 100 की प्रॉफिट आएगी, समझ रहे हैं सर? जी तो ये तो हो गया फोरकास्ट। देखिए ये हो गया, ये एनालिसिस जो हो गया, ये क्या हो गया, ये करेंट सेल का एनालिसिस हो गया, ये हो गया फोरकास्ट एनालिसिस, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे कंपेयर दिखाना, तीन एक और दिखाना पड़ेगा कंपेयर। कंपेयर इसलिए क्योंकि आपको ये दिखाना होगा कि हमने पिछले क्वार्टर में जो इंसेंटिव दिया था 1000 पे जो इंसेंटिव परसेंटेज दिए थे उसके अकॉर्डिंग क्या सेल हुआ था, क्या प्रॉफिट हुआ था, और फिर सेम क्वार्टर पिछले मंथ में क्या हुआ था। याद होगा आपने समझाया था आपको जी कि सेम क्वार्टर पिछले मंथ में क्या सेल हुआ। ऐसा एक दिन का ले लीजिए, चलिए ठीक है, मान लीजिए 1 तारीख का सेल ले लीजिए। 1 तारीख को हमने बोला कि सेल इतना हो जाए, फोरकास्ट हो गया। अब आपको दिखाना होगा कि 31 तारीख को आपको कंपेयरिंग करना पड़ेगा कि 31 तारीख को क्या सेल थी, ठीक है, 31 को क्या सेल थी, और पिछले महीने की 31 को क्या सेल थी, और पिछले साल 31 का क्या सेल थी। 31 अगस्त ले लेते हैं कि 31 अगस्त लास्ट को क्या मंथ। सेल है, समझे? अच्छा और ये आपका जुलाई 31 को क्या सेल था, और प्रीवियस ईयर जुलाई को क्या सेल था, 2020 में। समझे? तो तीन और भी आपको एक कंपेयरिंग दिखाना होगा ताकि समय वाला देखेगा कि हाँ 3000 का टारगेट रखते हैं तो अब पता चले कि 3000 का टारगेट तो सेट कर दिया, लेकिन चल हमने कल 2000 टारगेट सेट किया था, 31 को पता चला 2000 का हमने सेल, एक माफ कीजिएगा 1 जुलाई यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ एक हाँ हमने
31 तारीख को हमने सेल किया था सर, 31 तारीख को हमने हमारा जो सेल था वो मान लीजिए 1500 सेल था, समझे? और पिछले साल जुलाई में जो सेल था हमारा, पिछले महीने का जो जुलाई, 1 जुलाई का जो सेल था वो 1800 रुपये का सेल था, और पिछले अगस्त का सेल जो था वो तकरीबन 1700 रुपये का सेल था। बात समझ रहे हैं सर? Okay. और इसकी इंसेंटिव जो हमने दी थी 500 पे 100 दी थी, इसकी इंसेंटिव सॉरी 1500 पे 100 दी थी, इसकी इंसेंटिव हमने 2000 पे 100 दी थी, और इसकी इंसेंटिव मान लीजिए हमने, इसकी इंसेंटिव भी हमने 2500 पे 100 दी थी। तो इससे समझ में आ गया कि हमारा सेल 3000 जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड कहता है और ट्रेंड कहता है कि हम 2000 के आसपास में सिमटेंगे। तो अगर आपने आप टारगेट यहाँ पे अगर टारगेट सेट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हमें हमारा अपना इंसेंटिव रेट कम करना होगा। अगर हम 1000 पे 100 की इंसेंटिव देते हैं तो हमारा लॉस होने के चांसेस है, क्योंकि 3000 का टारगेट कोई अचीव नहीं कर पाएगा। दिस इज द एनालिसिस, इसको कहते हैं सर। अच्छा सर, तो कंपनी को घाटा लगने से पहले ही पता चल गया ना सर कि कंपनी को घाटा लग सकता है, तो ट्रेंड कहता है कि हम 2000 के आसपास में रहेंगे सर। तो हमें हाँ। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉक इंसेंटिव सिस्टम, तब हमारे पास दो चॉइसेस है, तब यहाँ पे हम जो दो चॉइसेस फुल कर सकते हैं कि लॉक इंसेंटिव सिस्टम कि आपकी 3000 सेल होगी तभी मैं इंसेंटिव दूंगा, अदरवाइज ना दूंगा, जो मोस्टली कंपनी करती है। समझ रहे सर? बिल्कुल जी। अगर आप करेंगे तो लॉक सिस्टम होगा कि आपको इतना, आपको 1000, तो मान लीजिए 1000 हमारा लॉक है, 1000 पे आपको इंसेंटिव नहीं देंगे, 1000 के अलावा जितना आप सेल करते हैं उस पर आपको इंसेंटिव रहेगा। अगर आपने इस अच्छा। अगर मान लीजिए कंपनी के ऑनर आप हैं और इसको आपने इस एनालिसिस को नहीं समझा, नहीं किया, तो अगर आपने डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या होगा? आपको लॉस हो जाएगा ना सर। जो कितने पे मुझे कितना इंसेंटिव रखना चाहिए और कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो मुझे पहले देखना पड़ेगा। हाँ, तो डेटा एनालिटिक्स यही कहलाता है, एक डेटा एनालिटिक्स टीम की यही जॉब होती है सर। ओके सर, ठीक है।